उधर दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए सस्ता हुआ है। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल सस्ता किया है। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर से वैट हटाया है और इसकी वजह से 8 रुपए ये सस्ता हुआ है। हालांकि ये केवल पेट्रोल पर है, डीजल पर लागू नहीं किया गया है। पेट्रोल से वैट हटाया गया है और इस वजह से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 8 रुपए सस्ती हो गई है। बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल के दाम 8 रुपए तक कम कर दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में आम आदमी पार्टी ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को कम करने का फैसला लिया है। इसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। बैठक में दिल्ली सरकार पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103.97 रुपए से घटकर करीब 95.97 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल के नए दाम आज रात 12 बजे से लागू होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे काफी लोगों की भीड़ हो रही है। आम जनता काफी यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए आती है। आज संख्या में थोड़ा इजाफा देखा जा रहा है। मौजूदा अगर बात करें तो मौजूदा आपको यहाँ पर रेट दिख जाएंगे। ये पेट्रोल के रेट यहाँ पर आपको देखेंगे 103.97 यहाँ पर रुपए प्रति लीटर ये पेट्रोल का प्राइस है। ये डीजल के भी आप रेट यहाँ पे साफ देख सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि 19.4% कर दिया जाएगा 30% की कटौती के बाद। तो ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी राहत मिल रही है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।